वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैंने पूजा कर ली है और अभी दोपहर का टाइम हो चुका है। मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। किचन में आज कुछ डिब्बों को साफ करना है, तो एक साइड खाना भी बनाएंगे और एक साइड डिब्बों की सफाई करेंगे। तो चलिए आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पर मैं मसूर की दाल आज बना रही हूँ और उसको बनने के लिए रख देती हूँ। इसमें हल्दी नमक सभी चीज़ें डाल के गैस पे रख देती हूँ। मुझे किचन के डिब्बे साफ़ करने हैं, तो सभी डिब्बों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ चटाई पे, उनको रख लेती हूँ एक जगह। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पास हमारे सारे डिब्बे बाहर निकल चुके हैं। अब मैं इन सभी डिब्बों में कपड़े से साफ कर लेती हूँ। ये डिब्बे गंदे नहीं हैं, बस इनमें धूल जम गई है, इसलिए इनको कपड़ों से साफ कर लेती हूँ बस। इस डिब्बे में मूंग की दाल है, तो मैं उसको देख रही थी कहीं ख़राब तो नहीं हुई है। और जो कुछ दालें हैं ऐसी हैं कि उनमें काफ़ी टाइम से धूप नहीं लगा है, तो उनको धूप में डालूंगी। और जो मेरी दालें ख़त्म हो गई हैं उनको मैं एक पेपर में लिख लूंगी और उनको बाद में मैं मार्केट से लेके आऊंगी। इस डिब्बे में चने की दाल है। चने की दाल मेरी बहुत टाइम की हो गई, ये गाँव से मैं लेके आई थी, तो इसको चेक कर रही थी कहीं ख़राब तो नहीं हुई है। अगर ख़राब होने लगी होगी तो उसको मैं धूप में डालूंगी। यहाँ पास करीब करीब सभी डिब्बे साफ़ हो चुके थे और मयंक ने बोला था कि मैं डिब्बे किचन से बाहर निकलवाऊंगा, तो मैंने उसको बताया नहीं था। मैं निकाल के साफ करने लगी, जब उसने देखा तो वो गुस्सा हो गया और बोला नहीं नहीं मुझे डिब्बे सारे साफ़ करने हैं। तो वो भी एक डिब्बा और एक कपड़ा लेके बैठ गया साफ करने के लिए। यहाँ पास डिब्बे साफ़ हो गए हैं और मैं इनको किचन में रख देती हूँ। मैं अंक अपना लगा हुआ है दो तीन डिब्बे लेके साफ़ करने के लिए, और डिब्बे को रख के मैं अपने आगे का खाना बनाती हूँ। यहाँ पास मैंने सभी अपने डिब्बे साफ़ सफाई करके रख दिए और यहाँ पास मेरी दाल बन चुकी थी। और इसमें थोड़ा सा घी डालते हैं और हींग जीरे से तड़का लगाते हैं सिंपल तरीके से। मसूर की दाल है जो खड़ी मसूर होती है बिना पिसी हुई, उसकी दाल आज मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पास हींग डाल रही हूँ
ये तड़का लग गया मेरी दाल में। इसके बाद मैं चावल बनाती हूँ और फिर बच्चों को बुला के लाती हूँ खाना खाने के लिए। बच्चों को बुला के लाते हैं खाना खाने के लिए, देखते हैं क्या कर रहे हैं दोनों। यहाँ पास गेम खेलने में लगा हुआ है। तो उनको मैं रख रही थी, ये मेरा एक नेकलेस है, इसका एक जो हुक होता है पीछे लगाने वाला ख़राब हो गया था, उसमें मैं नया लगाई हूँ और बॉक्स में रख रही हूँ। यहाँ पास मेरी कुछ नई बिंदियाँ हैं, कुछ पुरानी, उनको मैं देख रही थी कि जो यूज करना है अभी उनको बाहर निकाल दूंगी, जो नहीं यूज करूंगी उनको अभी बॉक्स में मैं रख दूंगी। ये जो जूड़ा दिख रहा है आप लोगों को, ये मैंने परी के लिए लिया था उसके एनुअल फंक्शन में स्कूल का। कुछ मैं नए बॉक्सेस लेके आई थी छोटे वाले, उनमें मैं कुछ कॉस्मेटिक की चीज़ें, ज्वेलरी हैं, उनको रख रही हूँ, क्योंकि अलग अलग रखने से सही होता है, नहीं तो जो ज्वेलरी हैं वो ख़राब हो जाती हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।